सो भैया नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नया शो ड्रॉप करा गया है जिसका नाम है टेरिटरी एंड इसको देखकर कर लिया हमने खत्म। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा या फिर बुरा सब कुछ आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग को भैया वीडियो अच्छा लगे देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर सपोर्ट। अब देखो अगर सबसे पहले बात करें इस सीरीज के जॉनर की तो ये जो शो है वो आप लोग को एडवेंचर ड्रामा कैटेगरी के अंदर फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें स्टोरी की तो आप लोग को शो के अंदर जो कहानी है वो लॉसन फैमिली के अराउंड फोकस करती हुई देखने को मिलती है जो कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म ओन करते हैं एंड इसका जो लाइक आप लोग को उत्तराधिकारी है वो डेनियल लॉसन देखने को मिलता है। अब देखो कहानी के अंदर जो मेन स्टोरी है वो तब स्टार्ट होती है जब डेनियल लॉसन की सडनली डेथ हो जाती है। एंड आप लोग को भी बताया कि कोई एक अगर फैमिली है जिसका बहुत बड़ा कोई कारोबार है तो उसका एक उत्तराधिकारी तो होता ही है एंड अगर यहाँ पे अगर उत्तराधिकारी को ही साइड हटा दिया जाए तो काफी सारे लोग आ जाते हैं अपना दावा ठोकने के लिए एंड जिसकी वजह से फैमिली के अंदर एक पावर टसल स्टार्ट हो जाता है एंड सेम केस आप लोग को इस शो के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड फैमिली के अलावा बाहर के भी लोग इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे भाई इनके पूरे के पूरे स्कैटर फार्म का होने के वाला है। मेनली कहानी आप लोग को इस शो के अंदर उसी की देखने को मिलेगी लेकिन जो एक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है उसका भी आप लोग को जो लाइक प्लॉट है वो भी लाइक चलता हुआ देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो भी इन्होंने लाइक बिल्डअप बनाया होता है स्टार्टिंग के एपिसोड्स का उसका ये लोग कंक्लूजन आप लोग को फाइनल एपिसोड में अपनी तरफ से पेश करते हैं एंड वो चीज़ आप लोग को फिर डिसाइड करनी है कि आप लोग को इसकी एंडिंग कैसी लगी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मेरे को तो पर्सनली सीरीज काफी सही लगी थी। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने येलो स्टोन सक्सेशन जैसे लाइक शोज देख रखे होंगे देन आप लोग को पता होगा कि भाई इस तरीके के जो ड्रामाज होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हैं बिल्डअप के लिए लेकिन अगर उनकी स्टोरी को अच्छी तरीके से मेकर्स पेश करें देन भाई आखिरी में जो मजा आता है पूरा कंक्लूजन देखने में उसकी बात ही अलग है। एंड आई थिंक ये शो उस चीज को काफी अच्छी तरीके से करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब देखो इस तरीके के शोज का लाइक ड्रॉबैक मेरे को बस यही लगता है कि ये शोज बिल्डअप में अपना टाइम लेते हैं एंड वो चीज आप लोग को इधर भी देखने को मिलेगी। तो वो ऑडियंस जिन लोग को लाइक फास्ट पेस वाले शोज पसंद है या फिर वो ऑडियंस जो भाई हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही कर रही हो उन लोग के लिए थोड़ा सा लाइक शायद ये जो सीरीज तो बोरिंग हो सकती है बट आई थिंक अगर आप लोग इस शो को एंडिंग तक देख ले जाओगे देन आप लोग को भी मजा आएगा इस तरीके की स्टोरी मेकर्स ने शो के अंदर प्रेजेंट करी हुई है। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी थी कि हर एक कास्ट मेंबर्स ने अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट करा हुआ है। इनफैक्ट जो डबिंग आप लोग को हिंदी की सुनने को मिलती है वो भी भाई उनके कैरेक्टर के हिसाब से मैच करती है तो जो हिंदी डबिंग का एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। एंड एक और बढ़िया चीज है इस शो की वो ये है कि इसका जो सिनेमेटोग्राफी है या फिर जो आप लोग को लाइक प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलता है वो काफी रिच है जो पूरे के पूरे वाइड एंगल शॉट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे एंड जो कैटल रैंच वाला आप लोग को सीन देखने को मिलता है प्लस जिस तरीके से लाइक लोगों की कॉस्ट्यूम को डिजाइन करा गया है सब कुछ आप लोग को देखने में लगेगा कि हाँ मेकर्स ने एक अच्छा खासा थॉट इसके ऊपर लगाया होगा देन उसको एग्जीक्यूट करा है एंड इसी वजह से मेरे को प्रोडक्शन वाइज भी सीरीज काफी अच्छी लगी है। टोटल सीरीज के अंदर आप लोग को 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं एंड ये मेरे को अच्छी चीज लगी कि मेकर्स ने जबरदस्ती का लाइक ओवर स्ट्रेच नहीं कराया शो को जितनी स्टोरी को लाइक जरूरत थी उतने ही एपिसोड आप लोग को देखने को मिलते हैं। सो वीडियो के लास्ट में अगर मैं शो को लेकर अपना फाइनल वर्डिक्ट बोलूं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग को लाइक ड्रामा वाले शोज देखना पसंद है एंड अगर आप लोग को सक्सेशन जैसी सीरीज अच्छी लगती है देन आप लोग इस शो के अंदर अपना टाइम दे सकते हो। आई थिंक सीरीज की स्टोरी आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर मैं इस शो को अपनी रेटिंग देना चाहूं तो मैं इसको दूंगा 4 out of 5 stars। बाकी अगर आप लोगों ने इस शो को देख लिया देन आप लोग बताना आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय पीस ऑफ।